मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी सरस्वती। आइए देवी लक्ष्मी, आपके आगमन से ब्रह्मलोक धन्य हुआ, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद देवी सरस्वती, जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व आदर करता है मेरा, घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ पहुँच जाती हूँ, सुख संपत्ति और वैभव अपने आप पहुँच जाते हैं वहाँ। ये सत्य है देवी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। ये भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत होता है। किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं, स्थिरता नहीं है आप में, इसलिए तो संसार आपको चंचला कहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, आप एक क्षण में रुष्ट हो जाती हैं और एक क्षण में तुष्ट। आज आप यहां हैं तो कल वहां, किंतु मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूं। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूं, वहां सदा के लिए स्थापित हो जाती हूं। किंतु मेरे बिना किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता। मैं धन हूं देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूं देवी लक्ष्मी, अंतर इतना है, आपका दिया हुआ धन तन के लिए है और मेरा दिया हुआ धन मन के लिए है। आपका दिया हुआ धन कोई भी चुरा सकता है, छीन सकता है, किंतु मैं तो विद्या हूं, ज्ञान हूं, मुझे ना तो कोई चुरा सकता है ना छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, राज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। और राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सत्य तो ये है देवी लक्ष्मी कि जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आपके पास थोथे शब्दों की कमी नहीं, आप तो बस वाणी ही वाणी हैं। देवी लक्ष्मी, शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब विद्या से मेल होता है तब वो कंठ की शोभा बन जाती है और संसार उसे सुनने के लिए व्याकुल हो उठता है। वाणी अमृत है, वो सुगंध है जो होठों पर आकर वातावरण को धन्य कर देती है। देवी सरस्वती, सत्य तो ये है कि मेरे आने से उदास वातावरण आनंदमय हो जाता है, रोते हुए मुख हंसने लगते हैं। और वो बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं श्रेष्ठ हूं। देवी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी की पूजा तो राजा भी करता है। अतः श्रेष्ठ मैं हूं। आप श्रेष्ठ हैं या मैं, हम दोनों इस विवाद में ना पड़कर इसका निर्णय भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है तो चलिए। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम। अरे देवी गंगा तो पहले से ही यहां उपस्थित है।
हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहां लेकर आई हैं। आपने मुझे आसन तक ग्रहण करने को नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा करें देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तो श्री नारायण के हृदय में निवास करती है और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं श्रीहरि विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, तो आपके लिए तो सदैव यह स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं अतिथि हूं और नियमानुसार आपको अपना स्थान छोड़कर मुझे स्थान देना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। और मैं अपना स्थान छोड़कर कहां जाऊंगी? तो आप मुझे यहां लाई क्यों? अब तो ये बात मुझे स्वयं श्री हरि से पूछनी पड़ेगी कि यहां मेरा स्थान कहां है। किंतु इस समय यह संभव नहीं है देवी सरस्वती, वे योग निद्रा में है। मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप घोर अपमान कर रही हैं मेरे देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही है। देवी गंगा, मैं जानती हूं कि आप इनकी हां में हां क्यों मिला रही हैं। मैं ये भी भली भांति जानती हूं कि वो कौन है जो मेरे विरुद्ध आपके कान भरता रहता है। भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगे हो ना हो, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है। इन्हें संदेह है कि इन्हें चढ़ाने के लिए मैं आपको उकसाती हूं। संदेह नहीं देवी लक्ष्मी, मुझे पूर्ण विश्वास है। यह सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। ये बात मैं भलीभांति जानती हूं कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं। किंतु नीलकमल ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है, पर आप देवी लक्ष्मी से व्यतिरिष्ट हो रही है। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। हाँ, गंगा तो सत्य ही कहेगी ना। मैं आप दोनों के षड्यंत्र को, इस अभिनय को भली भांति जानती हूँ। देखिए देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई दुराग्रह है तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे व्यवहार में लाना है। गंगे, आपको व्यवहार में लाने की क्या आवश्यकता है मुझे? मैं स्वयं इतनी सक्षम हूं कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से एक दिन श्री हरि के चरणों में ही नहीं हृदय में स्थान प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। उनके हृदय में मेरा निवास है और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी। देखिए देवी सरस्वती, आपका विवाद देवी गंगा से आरंभ हुआ और अब आपने अपने क्रोध का लक्ष्य मुझे बना लिया। देवी, यदि आपको मुझसे ईर्ष्या है कि मैं ऐश्वर्य और वैभव की देवी हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा, तो बहुत अहंकार है आपको अपने वैभव और अपने ऐश्वर्य पर। तो जाइए देवी लक्ष्मी, मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। देवी सरस्वती जाइए, मैं आपको शाप देती हूँ। नहीं देवी सरस्वती, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और वहां तुलसी हो जाएंगी और आपका संबंध भगवान विष्णु से समाप्त हो जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। देवी सरस्वती, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपका विवाह तो मुझसे था और आपने देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया। ये अनर्थ मैं सहन नहीं करूंगी। जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। जाइए, नीचे उतर जाइए। देवी गंगे, आपने देवी लक्ष्मी के लिए मुझे श्राप दिया, तो मैं भी आपको श्राप देती हूं कि अब आप श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर उतरेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। आप पापियों से घिरी रहेंगी।
आदिशक्ति परमेश्वरी, ये क्या हो रहा है? आपकी रची हुई ये दो शक्तियां देवी लक्ष्मी तथा देवी सरस्वती आपस में लड़ रही हैं। क्यों? इसमें विचित्र क्या है? धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है और सदैव रहेगा, यही तो होता आ रहा है। ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है, ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। श्रेष्ठता का ये युद्ध ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा, किंतु हे आदिशक्ति परमेश्वरी, इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियां जाएंगी कहां हे महाकाली? इसके लिए तो पृष्ठभूमि बहुत पहले से बन चुकी है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी देवी परमेश्वरी, मैं तुम्हें समझाती हूं। वो देखो, वन में एक राजा कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। इस राजा का नाम है धर्मध्वज। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। 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 हे देवी परमेश्वरी, ये तो देवी लक्ष्मी की तपस्या कर रहा है, ये धर्मध्वज क्या चाहता है? हे देवी, इसकी कोई संतान नहीं है और वो देवी लक्ष्मी को संतान रूप में प्राप्त करना चाहता है। सच पूछो तो मेरी भी यही इच्छा थी कि ये देवियां स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जाएं और पृथ्वी निवासियों के काम आएं। हे देवी परमेश्वरी, ये कैसे होगा? देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर तुलसी बनकर जन्म लेगी, देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधारा के रूप में प्रकट होंगी और देवी गंगा को भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी लीला अपरंपार है। मैं भी देखती हूँ पृथ्वी पर उतर कर ये देवियां क्या करती हैं, किंतु इस समय तो देवी लक्ष्मी अपने शाप को लेकर बड़ी चिंतित हैं। मैंने आपको इतना अधिक चिंतामग्न पहले कभी नहीं देखा। हे कमल लोचन, आप तो यूं ही योग निद्रा में थे, आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि यहां देवी सरस्वती ने पधारकर क्या अनर्थ कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं, परंतु अनर्थ क्या हुआ? हे कमल लोचन, कहां मैं और कहां वो, और वो मुझे शाप देकर चली गई। श्राप? आपको श्राप? क्या श्राप दिया उन्होंने आपको? मानव योनि में जन्म लेने का। प्रिय, ये तो कोई श्राप ना हुआ, ये तो विधि ने पहले से ही रच रखा है। कदाचित आप ये नहीं जानते कि राजा धर्मध्वज आपको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए आप ही की तपस्या कर रहे हैं। यदि आप उनका कष्ट देखेंगी तो आपका हृदय पिघल जाएगा और आपको उन्हें वर देना ही पड़ेगा।
तनिक देखिए तो कि राजा धर्मध्वज की क्या स्थिति। वन में तपस्या करते करते उनके शरीर पर धूल मिट्टी ने अपना डेरा जमा रखा है। वे कभी भी किसी भी भयानक वन्य प्राणी का आहार बन सकते हैं। आप तो करुणामयी है ना, जाने आपका ध्यान राजा धर्मध्वज की ओर क्यों नहीं है। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। 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 ओहो, हे कमललोचन, महाराज धर्मध्वज तो सचमुच बड़े कष्ट में है। उनकी ये दशा देखी नहीं जा रही है मुझसे। मैं तो इसी समय जाकर उन्हें वरदान दे दूं, किंतु मैं आपके इस किंतु को भली भांति समझता हूं देवी। आप इस संकोच में हैं कि पृथ्वी पर जाकर आप में सारे गुण मानव वाले आ जाएंगे। हाँ कमल लोचन, और मैं आपसे दूर हो जाऊंगी और सारी दैवी शक्तियां भी मुझसे छिन जाएंगी। ये बात तो है, किंतु मानव में एक विशेष गुण तो है कि वो अपनी तपस्या के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा धर्मध्वज को आप पुत्री के रूप में उसकी तपस्या के द्वारा प्राप्त होगी। हाँ, ये सत्य है, किंतु हे कमल लोचन, आपको मुझे सहयोग देना होगा। संसार में मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। हे प्रिय, आपसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता। मैं आऊंगा, आपके लिए अवश्य आऊंगा, क्योंकि आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए तो मुझे आना ही होगा, नहीं तो मेरा यह वैकुंठ अपनी शक्ति के बिना सूना सूना लगेगा। फिर आज्ञा दीजिए कमल लोचन, मैं प्रस्थान करती हूं।